थर्मल एक्सपेंशन, नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल का मतलब हीट, एक्सपेंशन का मतलब हीट से कोई चीज क्या करेगी, एक्सपैंड। तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो हीट करने से चीजें एक्सपैंड होती हैं, हमें ये पता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन तीन किस्म की है, पहली लीनियर एक्सपेंशन, दूसरी सुपरफिशियल, और लास्ट क्यूबिकल, यानी कि या तो कोई भी सब्सटेंस लेंथ वाइज इंक्रीज होगा या एरिया वाइज होगा या वॉल्यूम वाइज होगा। अगर तो लेंथ वाइज इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो गई, उसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और ऐसे अगर उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया, उसे बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और ऐसे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्लियर है यहाँ तक? तो डायग्राम से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, देखो लेंथ छोटी से बड़ी हो गई, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया छोटे से बड़ा हो गया तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम छोटे से बड़ा हो गया तो क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के अंदर लेंथ वाइज एक्सपेंशन है। अगर ओरिजिनल लेंथ रॉड की एल है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी, तो नई लेंथ कितनी हो गई, एल डैश हो गई। तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी हो गई, एल डैश माइनस एल। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड पे। तो ओरिजिनल लेंथ अगर एल है तो इंक्रीज इन लेंथ जो है उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर की है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका इंक्रीज 0.1 मीटर 0.2 मीटर हो जाएगा। पर अगर ओरिजिनल लेंथ ही 5 किलोमीटर लंबी वायर है तो फिर उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज 2-4 मीटर इंक्रीज होगा। तो अगर ओरिजिनल लेंथ ही बड़ी है, उसका चेंज भी बड़ा होगा, लेंथ इतनी सी है, चेंज भी छोटा होगा। तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, एंड ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ही चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये टर्म आएगी और एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसको एल्फा बोलते हैं। एल्फा मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो एल्फा पे भी डिपेंडेंट है। एल्फा का मतलब मटीरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है एल्फा। तो अगर मटीरियल ऑफ द वायर में एक्सपेंशन ज्यादा है तो एल्फा की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, एल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो तीन फैक्टर्स के ऊपर चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द वायर और एल्फा। एल्फा को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, तो यहां से एल राइट पे चला गया तो एल डैश इज एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला देखा लगता है ये किस चैप्टर में, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अंदर हमने यंग मॉडल्स के अंदर इसको किया भी था। यंग मॉडल्स के अंदर एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यंग मॉडल्स और एल्फा की एप्लीकेशन थी। तो एल डैश इज एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां से काम करो, एल्फा को एल्फा को एक तरफ, एल डेल्टा टी को नीचे ले आओ। तो ये आपके पास टर्म आ गई। तो न्यूमिनेटर के यूनिट्स क्या होंगे, मीटर। डिनोमिनेटर में लेंथ के मीटर, मीटर से मीटर कैंसल। डेल्टा टी के यूनिट्स क्या होंगे, या तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो एल्फा के यूनिट या तो 1/केल्विन या डिग्री 1/डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें ना ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे जो डेल्टा एल है, ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिख लो एक बार, डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो कितनी है, एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला ही है, आपकी काफ़ी बुक्स डेल्टा एल को सीधा यही पुट करती हैं, एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। आज के असाइनमेंट के अंदर भी काफ़ी बार डेल्टा एल को यही पुट किया जाएगा, तो इसको भी बॉक्स में डाल लें। ठीक है, तो एल्फा का मतलब कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इसको इसकी वैल्यू आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, ये गिवन है। सिमिलरली जो चीज़ें सरफेस एरिया वाइज एक्सपैंड होती हैं उनके लिए क्या रिजल्ट है, कि अगर मान लो एस ओरिजिनल सरफेस एरिया है और न्यू सरफेस एरिया एस डैश है, तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, एस डैश माइनस एस, जो कि डिपेंड करेगा ओरिजिनल सरफेस एरिया पे, डिपेंड करेगा राइज इन टेम्परेचर पे। इन्हें कंबाइन कर लिया, इस बार कॉन्स्टेंट क्या लगेगा, बीटा, अल्फा की जगह बीटा। तो यहाँ पर एस राइट साइड पे चला गया तो फिर मिलता जुलता फॉर्मूला बन गया, एस डैश नया सरफेस एरिया इज एस, वन प्लस बीटा इंटू
डेल्टा टी, बीटा का मतलब है कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरिया वाइज एक्सपेंशन है। तो यहां से बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस डैश माइनस एस अपॉन एस इन टू डेल्टा टी, अगेन ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट्स भी क्या होंगे, 1 बाय केल्विन या 1 बाय डिग्री सेल्सियस। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये तो क्या ही करना, सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, वी डैश क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या इफेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम, तो वी डैश इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। इसमें गामा को क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अगर लेंथ वाइज एक्सपेंशन है तो एल्फा गिवन होगा, एरिया वाइज एक्सपेंशन है तो बीटा गिवन होगा, वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा गिवन होगा। लेंथ में रिलेशन पता लग गया, एल डैश इज एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी सरफेस एरिया में, और वॉल्यूम में वी डैश इज वी इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये फॉर्मूलाज हैं।